आज मैंने पुराने सलवार का रियूज किया है और दो स्टोरेज बैग बनाकर तैयार किए हैं। एक स्टोरेज बैग के अंदर मैंने चैन लगाई है, दूसरा स्टोरेज बैग हमने बिना चैन लगाए बनाया है। पुराने कपड़े हो चाहे पुराना राइस बैग हो, मैं किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करती हूँ। जो लंबाई है इसकी वो है 22.5 इंच, हाइट है इसकी 11.5 इंच, चौड़ाई भी 11.5 इंच की है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस बैग के अंदर कम से कम आपके 25 से 30 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे, इतनी साइज है इस बैग की। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मैंने सोचा था वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आप सब लोगों को बहुत पसंद आई है वो वीडियो। मैंने डिटेल में स्टोरेज बैग बनाने का तरीका बताया है और आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों को बैग बहुत अच्छे से समझ में आ गया जो मैंने बताया। लेकिन आज मुझे एक कमेंट और कवर करना था, जो काफी दिन से वो कमेंट आ रहा है मेरे पास कि पुरानी सलवार से मुझे स्टोरेज बैग बनाने का तरीका बताना है, ऑर्गेनाइजर बनाना है जिसमें चेन नहीं लगानी है। तो बिल्कुल नया तरीका है, हटके है, आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो जिस सलवार का मैं यूज कर रही हूँ वो सलवार मैं आपको दिखा देती हूँ। और वो सलवार बनी हुई है 2 मीटर से 10 इंच ज्यादा कपड़ा था, यानी 2.25 मीटर कपड़े में ये सलवार बनी हुई है। और इसके ऊपर बेल्ट है वो अलग कलर का है। अगर हमें कहीं तनी में यूज करना होगा, कहीं पर भी यूज करना होगा, तो हम बेल्ट का यूज करेंगे, नहीं तो हम बेल्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्ती में से इसके ऊपर बेल्ट लगा रखा है। सलवार आप देख सकते हो, सलवार का कलर फेड हो गया है, तो इसके लिए हमें एक जो है जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जो अंदर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ करना पड़ेगा और जो बाहर वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला जो पार्ट है इसका अंदर की तरफ से इसमें जो है कलर फेड नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके बेल्ट को ओपन करेंगे, तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी कटिंग करनी है सलवार की और कैसे जो है इसके सारे पार्ट आपस में जोड़ने हैं ताकि एक सीधा सीधा पार्ट हमारे पास तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम इसका बेल्ट अलग करेंगे तो अगर कपड़ा मजबूत है तो आप इस तरीके से फटाफट से इसको खोल सकते हो, लेकिन अगर कपड़ा कमज़ोर है, कॉटन का है, तो आपको इस तरीके से नहीं खोलना है, फिर सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा मोटा कपड़ा है पेंट के जैसा। देखिए कैसे इसमें कलर फेड हो गया है अंदर की तरफ, देखिए कलर बिल्कुल ही जो है अच्छा है इसका फ़िलहाल। तो सबसे पहले हम इसको नीचे की तरफ से कट करेंगे, जो इसकी मोरी है उसको कट करके निकाल देंगे, बीच वाली सिलाई को खोल देंगे फटाफट से। क्रोच एरिया है इसको भी खोल देंगे, अलग कर देंगे दोनों पार्ट को। फिर दूसरे तरफ से देखिए सेंटर वाला मैंने पीस सिलाई जो है वो निकाल दी है। फिर देखिए इस तरीके से जो इसमें सिलाई लगी होती है, कलियां जुड़ी होती हैं, उन कलियों को अलग कर देंगे, दोनों कलियों को अलग करेंगे। दूसरे पार्ट के ऊपर से भी दूसरी कलियां जो है वो अलग कर देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी जो है बाहर वाली साइड थी, जो आप देख सकते हो कितना ज्यादा कलर फेड हो गया है और बिल्कुल ही खराब हो गया है ये पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरीके से जो अंदर वाली पार्ट है उसको ऊपर करके रखेंगे। अभी सेम तरीके से इसी तरीके का जो पार्ट है एक और ले लेंगे, ये जो नीचे से देखिए ये जो क्रोच एरिया है, एक तो इधर की तरफ आ गया है इसमें क्रोच एरिया, और एक क्रोच एरिया हमें इस तरफ लेना है जस्ट इसके दूसरी तरफ। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पार्ट हम इसी तरीके से एक बार जोड़ लेंगे। मैंने दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं, यहाँ पर सिलाई लगा दी है। जब हम इसको सीधा करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे, हमको आवश्यकता लगेगी तो, उधर से भी हम बाद में कट कर देंगे जरूरत लगेगी तो। तो ये पार्ट इस तरीके से तैयार हो गए हैं, एक पार्ट ये तैयार हो गया है और एक पार्ट हमारा ये तैयार हो गया है। तो अंदर की तरफ ये आ गई है अब और बाहर की तरफ ये आ गई है इसमें। तो ये दो पार्ट तैयार हो गए हैं और दो पार्ट हमारे ये हैं, देखिए। तो एक बार हम क्या करेंगे, इन सभी को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि सभी में जो है बहुत ही ज्यादा जो है सलवट बनी हुई है, वो सारी सीधी हो जाएंगी, कपड़ा सीधा हो जाएगा। तो एक बार हम इसको प्रेस कर लेते हैं।
तो देखिए इसको मैंने इस तरीके से फैला रखा है, इसको हम सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे। अपने ऑर्गेनाइजर की जितनी भी लंबाई चाहिए उसका हाफ लेंगे हम यहाँ पर। तो मुझे मेरे ऑर्गेनाइजर की जो लंबाई है वो चाहिए 22 इंच तैयार, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग की है 11 इंच पे। और अब मुझे आधा इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने यहाँ से 11.5 इंच ले लिया है। अब जैसे 11.5 इंच यहाँ से लिया है तो हमें पूरे में 11.5 इंच पे मार्किंग कर देनी है। जहां पर हमने मार्किंग की है वहां से हम कटिंग कर देंगे। साइड में लगभग 3 इंच से 3.5 इंच कपड़ा निकल जाएगा। आप चाहो तो इसे तनी बनाकर तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर की तनी अटैच करूंगी। अब इस पीस की जो लंबाई मेरे को चाहिए वो लंबाई इसकी कम है, तो हम क्या करेंगे इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए, देखिए बीच वाला जो पार्ट हमने सीधा सीधा जो खोल के निकाला था इसका, उसको रखेंगे। एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, फिर हम इसको नीचे की तरफ से कट कर देंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, इस पार्ट को भी यहाँ से ओपन करेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इसको इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स लाइट गई, लेकिन तब तक हम इसकी आगे की कटिंग कर लेते हैं एक बार। इस पीस की लंबाई और इसकी चौड़ाई हमें 12x12 इंच की रखनी है। अभी इसी साइज का तो हमें राइस बैग कट कर लेना है और इसी साइज का भी हमें राइस बैग कट कर लेना है। अभी देखिए आपका कमेंट आता है कि आपने दोनों पार्ट को अलग अलग करके मेजर करके नहीं दिखाया, तो मैं एक बार आपको इस पार्ट को दिखा देती हूँ, जो हमारे बैग की जो लंबाई बनेगी यहाँ पर वो दिखा देती हूँ। साइड में आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, उसको मैंने छोड़ दिया है। टोटल मैं आपको बता देती हूँ, ये है 23.5 इंच, 23.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 47.5 इंच, यानी 47.5 इंच। हमें यहाँ पर 2 से ज़्यादा राइस बैग चाहिए, तो राइस बैग को देखिए सबसे पहले हम नीचे से कट करेंगे और फिर हम साइड से कट करेंगे, क्योंकि हम 2 स्टोरेज बैग बना रहे हैं तो इतने राइस बैग हमें चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं मशीन के पास गई तो देखा तो मोटर यहाँ पर ख़राब हो चुकी थी मशीन की। मोटर को लिया मैंने मार्केट गई, उस दिन मेरे को मोटर नहीं मिली, अगले दिन मेरे को मोटर मिली शाम को। फिर हस्बैंड ने आकर के शाम को जो है मोटर को सेट किया, तो इसीलिए जो है 3-4 दिन अभी बीच में वीडियो नहीं आई और गैप लग गया वीडियो में, क्योंकि मेरे पास एक ही सिलाई मशीन है फिलहाल यहाँ घर पर और इसी से मैं काम करती हूँ। हमारी मशीन ठीक हो गई है और मैंने यहाँ पर राइस बैग कट कर लिया है, जो हमने छोटे पीस कट किए थे तो उन्हीं के साइज के देखिए राइस बैग भी मैंने यहाँ पर कट कर रखे हैं इस तरीके से। तो हम इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, सिलाई से अटैच कर देंगे, बीच में भी इस तरीके से सिलाइयाँ लगा देंगे। जो रॉन्ग साइड है वो नीचे करेंगे और सीधी साइड है कपड़े की वो ऊपर की तरफ करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम सिलाइयां लगा देंगे। लंबाई में लगाएंगे पहले तो 4-4, 5-5 इंच की दूरी से, और फिर इस तरीके से लगाएंगे चौड़ाई में इसके। अगर आप इसके साथ में लाइनिंग अटैच करना चाहते हो तो लाइनिंग अटैच कर सकते हो, लेकिन मुझे इसमें लाइनिंग अटैच नहीं करनी है, ऐसे ही तैयार करना है इस पीस को। बड़े पीस के ऊपर हमने सिलाइयां लगा ली है चारों तरफ। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 इंच की इस तरीके से पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी को पहले तो यहाँ से जोड़ेंगे, लंबी पट्टी तैयार करेंगे और उसके बाद देखिए पट्टी को यहाँ पर रखेंगे, सिलाई से अटैच करेंगे, मतलब चारों तरफ हमें पट्टी अटैच कर लेनी है इसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ इसके ऊपर पाइपिंग जो है अटैच कर लेनी है। फिर इसको हम पलटेंगे दूसरी तरफ और फिर इस पाइपिंग को डबल फोल्ड करेंगे यहाँ से, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये जो 2 पीस तैयार किए हैं इसके सिर्फ एक तरफ ही हमको जो है इसी तरीके से पाइपिंग बना देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से ये एक कारपेट बन करके तैयार हो गया है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। ये देखिए अभी सर्दी आ रही है तो धूप में डाल के देखिए बच्चे इसके ऊपर बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये देखिए अच्छा लग रहा है, छोटे पीस भी तैयार हो गए हैं पाइपिंग के साथ। देखिए सबसे पहले चौड़ाई में सेंटर निकालेंगे, 6 इंच आएगा, उसके बाद हमें 3 इंच की मार्किंग इधर करनी है और 3 इंच की मार्किंग हमें इधर करनी है। ऊपर से यहाँ पर हम 5 इंच की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पर देखिए एक तनी ली है,
इसकी लंबाई है 7.5 इंच, आधा इंच यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, सेंटर मिलाएंगे, आधा इंच यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसके दोनों साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके सेम तरीके से इसके ऊपर भी हमें ऐसी ही हमें तनी तैयार करके रेडी करके इसके ऊपर अटैच कर लेनी है। ये देखिए दोनों पार्ट के ऊपर ये तनी अटैच हो गई है। ये जो बड़ा पार्ट है इसके ऊपर मैंने लगाने के लिए ये पार्ट तैयार कर रखा है। तो इस पार्ट की जो लंबाई है वो 44 इंच की है, इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच की है। साइड में पाइपिंग है, यहाँ पर पाइपिंग है, लेकिन एक तरफ पाइपिंग नहीं है, दूसरी साइड से भी सेम तरीके से मैंने रेडी कर रखा है इसको। फिर मैंने इसका सेंटर निकाला, इस तरीके से सेंटर में मैंने यहाँ पर कट लगा दिया। अगर आप वेलक्रो के पीस आप पहले अटैच करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर हार्ड वाले पीस लगा रखे हैं, तो आप पहले अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है पहले कि कैसे अटैच की है मैंने, तो फिर आप बाद में अटैच कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इनको अटैच किया है। तो देखिए इसका ये सेंटर है, सेंटर से मैंने इसको कितना इंच पे लगाया है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये सेंटर से मैंने 4 इंच ये सिरा आ रहा है इसका, ये जो सिरा है ये 4 इंच पे आ रहा है। फिर इससे जस्ट इधर मैंने ये 1.5 इंच लंबा एक पीस लगा दिया है। ऐसे ही 4 इंच दूरी पर मैंने ये वाला पीस लगा दिया है। ये मैंने दोनों सॉफ्ट पीस लगा दिए इसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने हार्ड वाले पीस अटैच किए हैं। सेम तरीके से मैंने इसका सेंटर निकाला, फिर 4 इंच इसका ये कॉर्नर आ रहा है, 4 इंच पे यहाँ तक 4 इंच आएगा, फिर सेंटर से फिर 4 इंच इसका ये कॉर्नर आ रहा है, 4 इंच से फिर मैंने इधर की तरफ ये 1.5 इंच लंबा वेलक्रो का पीस मैंने अटैच कर रखा है। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वेलक्रो का पीस यहाँ कॉर्नर के ऊपर अटैच कर रखा है इस तरीके से, ये देखिए। तो मैंने क्या किया है, जो मैंने 2 पीस तैयार कर रखे हैं इनके ऊपर भी मैंने हार्ड वाले पीस, इसके ऊपर सारे सॉफ्ट पीस लगा रखे हैं, लेकिन इसके ऊपर हार्ड वाला पीस लगा रखा है। देखिए दोनों को मैंने इस तरीके से रखा यहाँ पर, और ऊपर से तो मैंने ये छोड़ा है यहाँ पर 2 इंच और साइड से भी 2 इंच, इसी तरीके से इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। अब देखिए इस पार्ट को हम अटैच करेंगे। यहाँ से मैंने सेंटर इसका पहले से निकाल रखा है और इस पार्ट का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ये इसका सेंटर आ गया यहाँ पर, अब हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर पर आने के बाद इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, सेम तरीके से हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से सील लेना है। देखिए ये पार्ट हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है, लेकिन यहाँ पर वेलक्रो के पीस लगे हुए हैं, तो यहाँ से हमें जोड़ने शुरू करने हैं साइड वाले पार्ट। पहले इसको पलट लेंगे, ये पार्ट है तो ये वेलक्रो का पीस अंदर की तरफ करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही। देखिए इस तरीके से सिलेंगे और हम इसको 3 साइड से सिल देंगे। जैसे कि इसके ऊपर वेलक्रो का पीस लगा हुआ, तो इस पार्ट को अंदर की तरफ करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद सुई को नीचे ही रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से घुमा देंगे यहाँ पर, फिर से सुई को नीचे ही रखेंगे, यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद फिर से घुमा देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। ये पाइपिंग वाला पार्ट आने के बाद बस यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, मतलब इसका 3 हिस्सा जोड़ना है हमें इस पार्ट के साथ में। जोड़ने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जोड़ना है ये, चलिए मैं बताती हूँ। इसको यहाँ पर इस तरीके से पलट लेंगे, देखिए ये जो वेलक्रो का पीस है यहाँ पर रखेंगे तो इस तरीके से ये बाहर की तरफ आएगा। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पर आधा इंच दबाएंगे सिलाई में। जैसे हमने यहाँ पर अटैच किया है इस पीस को, वैसे ही हम दूसरा पीस भी इसके ऊपर क्या करेंगे अटैच कर लेंगे। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इस बैग के अंदर। तो दूसरा पार्ट भी मैं जोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक हमारा स्टोरेज बैग बन गया है। उसका फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो इसमें से देखिए हमारे पास ये पीस बचे हैं, एक बैग बनाने के बाद ये पीस बच गए हैं, डबल फोल्ड है और ये पार्ट भी डबल फोल्ड है। एक और बैग बना करके जो है तैयार करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे।
तो देखिए सबसे पहले ये डबल फोल्ड में है ये पार्ट, तो हमें यहाँ डबल फोल्ड में कम से कम 22 इंच चाहिए, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है, तो हम क्या करेंगे ये जो पार्ट है छोटे छोटे पीस हैं इनको जोड़ेंगे। जैसे ये पार्ट है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर इधर से काट देंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, तो ये एक लंबा पार्ट हो गया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से सिंगल पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे। मैंने यहाँ इस पार्ट को तैयार कर लिया है, नीचे इसमें मैंने राइस बैग लगा लिया है, और इसके अंदर अगर आपको ज्यादा फिनिशिंग चाहिए या तो आप थोड़ा सा जो थिक होता है राइस बैग वो अटैच करना, अगर फिर आपका राइस बैग पतला है तो आप डबल लेयर में आप राइस बैग अटैच कर सकते हो, जिससे फिनिशिंग बैग में बहुत अच्छी आती है। तो ये टिप्स है मेरे बैग में अच्छी फिनिशिंग आने की जो मैंने अब तक शेयर नहीं की थी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर राइस बैग पतला होता है तो मैं डबल लेयर में लगाती हूँ, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने डबल लेयर में लगा रखा राइस बैग यहाँ पर, ये देखिए बहुत पतला था ये राइस बैग, तो इसलिए मैंने इसको डबल लेयर में लगाया है। अब मैं इसका मेजर करके दिखा रही थी इस पार्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो इस पार्ट की जो चौड़ाई है वो है 29 इंच यानी कि 30 इंच से 1 इंच कम 29 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो है 46 इंच की। ये बैग बनाने का बहुत ही सरल तरीका है, मैं बिल्कुल सरल तरीके से आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चेन तैयार कर ली है, और देखिए एक रनर मैंने इधर से डाला है यहाँ पर इस तरीके से, और एक रनर मैंने इधर से डाला है इस तरीके से। तो बैग में जब हम ऐसे रनर डालते हैं ना तभी बैग का लुक अच्छा आता है, तो रनर डालते टाइम आपको इस चीज का ध्यान जरूर देना है। चेन की उल्टी साइड ऊपर करके यहाँ पर रखेंगे, सिलाई से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, फिर इसको टॉप स्टिच करेंगे। देखिए जब रनर आ जाता है मशीन के पास तो क्या होता है कि यहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है चैन, तो आपको क्या करना है सुई को नीचे की तरफ करना है और रनर को देखिए यहाँ हम पीछे की तरफ निकाल देंगे इस तरीके से यहाँ पर, अब जो है अब चैन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम टॉप स्टिच करेंगे, सिलाई मार्जिन को नीचे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब इस चेन को हमें दूसरी तरफ अटैच करना है, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे फिर चेन को ओपन करके फिर हम इसको टॉप स्टिच कर देंगे। जब भी आप सिलाई लगाओ चेन के ऊपर तो हमेशा जैसे ये हार्ड पार्ट है तो इसको नीचे की तरफ करना है, चेन को हमेशा ऊपर की तरफ करना है, ऐसे नहीं कि आप चेन को ऐसे नीचे की तरफ करके फिर सिलाई लगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा चेन में झोल आएगा, चेन इकट्ठी हो जाएगी और आपके बैग में फिनिशिंग नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए इसको टॉप स्टिच करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से चेन को इस तरीके से ओपन करेंगे, चेन को यहाँ से मैंने लॉक कर दिया सिलाई लगा के ताकि रनर पीछे ना निकले। अब यहाँ से इस तरीके से करेंगे हम और सिलाई मार्जिन को नीचे की तरफ करेंगे, तो देखिए ये मशीन के नीचे बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा यहाँ पर। अभी देखिए ये चैन यहाँ सेंटर में है, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ चैन के सेंटर से 6 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरीके से, और 6 इंच पर मार्किंग करनी है हमें यहाँ पर। अब जो 6 इंच की मार्किंग की है वहां से पकड़ेंगे इस तरीके से और चैन हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी, यहां से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर लंबाई में तो मार्किंग करनी है वो 5 इंच की करनी है, लेकिन यहाँ चौड़ाई में हमको 5.5 इंच करनी है। अभी सेम तरीके से चारों कोनर के ऊपर मार्किंग कर लेनी है हमें, अभी यहां से कोनर को कट कर देंगे। Thank you.
सेम तरीके से हमें चारों कॉर्नर कट कर देने हैं। अभी देखिए सबसे पहले हमें यहाँ साइड में सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और देखिए बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं है, 5.5 और 5/2 इंच से कॉर्नर कट किया था। अभी यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन में दबाएंगे, सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से हमें चारों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स वैसे तो बैग बन करके तैयार हो गया है, लेकिन इसकी तनी अटैच करना अभी भी बाकी है। लेकिन एक बार हमें इसको सीधा करना होगा तनी अटैच करने से पहले। तो 5 मिनट में ये बैग बन करके तैयार हो जाएगा और जब हम इसको सीधा करेंगे तो कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालेंगे। बस इसको ये जब हम कितनी सी देर लगेगी, 10 मिनट में हम इस सीट को तैयार कर लेंगे। और बनाते टाइम तो कॉर्नर कट किए और बस कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाई, बस बहुत ही जल्दी बैग बनकर तैयार हो जाएगा। ये बैग तो कोई भी बना सकता है, ये बैग बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने तनी बना करके तैयार कर रखी है एक ब्लैक कलर की, वो अटैच करेंगे अब हम। तो यहाँ पर मैं इस पीस की लंबाई ले रही हूँ 6.5 इंच की, और 6.5 इंच का एक पीस और कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए ऊपर से आपको ये जो सेंटर है इसका, ये सेंटर है, यहाँ से क्या करना है नीचे की तरफ 4 इंच फिर सेंटर निकाल के, इसका सेंटर निकाल के सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये तनी दोनों तरफ हमें अटैच करनी है। और एक काम और बाकी है इसका, ये देखिए कॉर्नर थोड़े से इस तरीके से साइड में से इस तरीके से नजर आएंगे, तो इनको ऐसे दबाएंगे और इसके ऊपर भी हमें यहाँ साइड में सिलाई लगा देनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, रनर के अंदर ये कपड़ा ना आए। देखिए इस तरीके से उखड़ा हुआ रहता है, तो बैग में फिनिशिंग अच्छी आती है और अपने लिए सुविधा हो जाती है। फिर यहाँ पर दोनों तरफ तनी लगा करके तैयार करती है। लेकिन अभी मैं इस बैग का आपको फाइनल लुक नहीं दिखा रही हूँ, पहले तो मुझे सफाई करनी है, फिर मुझे खाना खाना है क्योंकि 1 बज गया है और खाना नहीं खाया है। उसके बाद मैं इस बैग का आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जितना टाइम हमको बैग बनाने में नहीं लगता है उससे ज़्यादा घर में भी बिखेरा हो जाता है। इसको सफाई करने में भी हमको काफ़ी देर लग जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सेट करनी पड़ती हैं। और देखिए जो राइस बैग के छोटे छोटे पीस हैं उनको मैं उठा के रख लेती हूँ, और जब नेक्स्ट जब बैग बनाऊँगी ना तो साइड वाला पीस रेडी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इनकी इतनी लंबाई चौड़ाई होती है और ज़्यादातर तनी के अंदर भी मैं लंबाई में राइस बैग को ही डालती हूँ। तो ये जितने भी छोटे छोटे पीस बचते हैं प्लास्टिक के होते हैं बैग, तो इनको मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर इनको जला। यहाँ से जो लंबाई है इसकी वो है 22.5 इंच, हाइट है इसकी 11.5 इंच, चौड़ाई भी 11.5 इंच की है। तो देखिए बिना चेन के हमने इस स्टोरेज बैग को बनाया है। हमारे व्यूअर्स का कमेंट था कि हमें बिना चेन के जो है स्टोरेज बैग बना करके बताना है। अब मैं आपको जो है ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए जो हमने साइड में वेलक्रो का पीस लगाया था वो देखिए यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये वेलक्रो का पीस आप पूरा कंप्लीट करने के बाद बैग फिर भी आप लगा सकते हो। फिर देखिए 2 वेलक्रो के पीस यहाँ पर है, एक साइड में है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस बैग के अंदर कम से कम आपके 25 से 30 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे, इतनी साइज है इस बैग की। आप इससे छोटा बनाना चाहते हो छोटा भी बना सकते हो, इससे बड़ा भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए चेन नहीं लगाई है, लेकिन बिना चेन के देखिए मैंने जो साइड में ये जो पट्टी लगाई है, इससे क्या होगा कपड़े रख के आप जब इस बैग को रखोगे तो धूल मिट्टी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी और इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये इसका लुक कैसा लगा है और आइडिया आपको कैसा लगा है। पुरानी सलवार से हमने 2 बैग बना करके तैयार किए हैं, तो दूसरा बैग भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड बैग भी तैयार हो गया है, इसका मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ सबसे पहले आपको कितना है। तो ऊपर से 17.5 इंच इसकी चौड़ाई है, यहां से ये है 11 इंच और हाइट इसकी है 12.5 इंच की। तो ये मीडियम साइज का स्टोरेज बैग बन करके तैयार हुआ है। और एक सलवार से हमने 2 बैग बनाए हैं, तो ये सेकंड वाला बैग है। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए मैंने इसके अंदर 2 रनर डाले हैं इस तरीके से। आप सर्दी के कपड़े स्टोर करके रख सकते हो, डेली रूटीन के कपड़े देखिए इसमें डाल सकते हो,
इसके अंदर ब्लैंकेट भी आप स्टोर करके रख सकते हो, अलमारी की भी जरूरत नहीं है इस बैग के अंदर कपड़े डालने के बाद। सलवार का कलर फेड हो गया था, कोई बता ही नहीं सकता कि उसी सलवार से हमने ये बैग बनाकर तैयार किए हैं। एक सलवार से दो बैग बन गए हैं, बहुत ही प्यारे बने हैं। फॉर्म डाली है हमने, लाइनिंग डाली है, कुछ भी नहीं डाला हमने इसके अंदर। एक के अंदर चेन डाली और एक बिना चेन के बनाया है। जिसको चेन का बनाना है वो चेन लगा के बना सकता है, जिसे बिना चेन का बैग चाहिए वो बिना चेन के बना सकता है। तो मैं दूसरा बैग भी इसके साथ में रख के दिखाती हूँ आपको। दोनों बैग मीडियम साइज के हैं, एक बैग तो बिना चेन का थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा बैग मीडियम साइज का है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मैं इन सारे बैग का क्या करती हूँ, तो मैं सारे बैग सेल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।